नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर में जादू टोना कर रहे हैं ये तीन लोग। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, वरना धीरे धीरे यह अपने माया जाल में आपको फंसा रही है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से आपकी असावधानी के कारण आप इनके जाल में बहुत ही ज़्यादा फंस चुके हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनके कारण आप सभी की जीवनकाल में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, और इनकी भनक आपको नहीं लग पाता, आप इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया जादू टोना कर रहे हैं। शायद दोस्तों, कैसे आप इनको अपने जीवनकाल से निकाल सकते हैं, कैसे आप खुद को मुक्त कर सकते हैं, उनके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं। शायद दोस्तों, आपकी कौन सी गलती के कारण यह व्यक्ति आपके जीवनकाल में दस्तक दे रहा है, आखिर आपको अपने जीवनकाल में अब कौन सा सुधार करना चाहिए, कौन सी विशेष बातों का अब आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि दोस्तों यह व्यक्ति द्वारा आप सभी के जीवनकाल में कोई भी जादू टोना तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहों के गोचर और पंचांग की गणना के अनुसार निर्मित किया गया है जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हम आपको कुछ ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से दोस्तों आप सभी की जीवनकाल की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और दोस्तों आपने जीवनकाल में खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माँ काली के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली लिख दें। माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवनकाल में सारी परेशानियां खत्म होंगी, जीवनकाल में आपको खुशियां मिलना प्रारंभ होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गीता में कही है कि कलयुग में व्यक्ति के जीवनकाल में ऐसी घटना होगी कि जब एक दूसरे धन अर्जित करने लगेंगे, जो ज़्यादा धन अर्जित करेगा उन्हें देखकर उनके दूसरे पक्ष के लोग ईर्ष्या करेंगे, यानी कि दोस्तों उनके ही जीवनकाल में रहने वाले जो लोग होंगे वह उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे, भले ही उनके जीवनकाल में वह कितना भी सगे संबंधी क्यों ना हो, कितना भी वह अपना करीबी लोग क्यों ना हो, उनके धन में बढ़ोतरी देखकर वह उनसे जलने लगेगा और जीवनकाल में वही उनका मुसीबत का भी कारण बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ठीक इसी प्रकार आप सभी के राशि के साथ देखा जा रहा है कि पिछले कई समय से जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, जो आपको जान से भी ज़्यादा मानते थे या फिर आप उन्हें जान से भी ज़्यादा मानते थे, दोस्तों ऐसे ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। जय दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, विषय के साथ बात करते हैं कि वह कौन से तीन लोग हैं जो कि आपके घर पर काला जादू कर रहे हैं, जो कि आपको बर्बाद करने की साजिशें कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको अब कौन से मंत्रों का कौन से उपाय करना चाहिए और साथ ही आपको जीवनकाल में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सभी बातें चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस राशि के जो लोग हैं, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, चाहे दोस्तों ब्रह्मांड में विश्व में कुल जितनी भी राशियाँ हैं, समस्त राशियों में से आपकी ही एक राशि इकलौता ऐसी है जिनके पिछले कुछ वर्ष बहुत ही ज़्यादा दुखद बीते हैं और शायद दोस्तों बहुत ही मुसीबतों का सामना भी आपने किए हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, दोस्तों यश में जो आपकी ग्रहों की उपस्थिति है वह दर्शा रही है कि आज रात 12 बजे से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं, यूँ कहें तो दोस्तों आपकी जीवनकाल में संकट आने वाली है। जी दोस्तों, परंतु दोस्तों इस बार जो आपके ऊपर संकट आने वाले हैं, जो मुसीबतें आने वाली है, इनमें आपकी ही गलतियां छुपी हुई दिख रही है। जी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सरल स्वभाव के आप लोग होते हैं
और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। दोस्तों कभी किसी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को नीचा गिराने के बारे में सोचते हैं, और दोस्तों ना ही किसी को पीछे ढकलने के बारे में भी सोचते हैं। परंतु दोस्तों इतने सीधे इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस राशि के जातकों का लाभ पूरा दुनिया उठा रही है, और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपने जादू में आपको फंसा रहे हैं। यूँ कहें दोस्तों तांत्रिक क्रिया में आपको फंसा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ ऐसे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं। जी दोस्तों, और इसी के चलते आपके जीवन काल में संकटों का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके जीवन में छुपे कोई तीन ऐसे लोग हैं जो आज रात 12 बजे से, जी दोस्तों पुनः सुन लीजिए, आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो कि आज रात 12 बजे से आपको अपने बातों के जादू में फंसाने वाले हैं। यूँ कहें बातों की ऐसी तांत्रिक क्रिया होगी जैसे आप उनके जाल में फंसने वाले हैं, और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुसीबत आपके सर आ सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशि के जो भी जातक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं। जिस दिन जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोहराएं। जी दोस्तों अभी भी आप इन गलतियों को गांठ बांध लें। जी दोस्तों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे परंतु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे। जी दोस्तों जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों सर्वप्रथम आपकी गलती आती है सभी को अपना समझने की भूल। जी दोस्तों इस राशि के जातक सभी को अपना मानते हैं, यह लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो सभी को एक साथ रहकर झेलनी चाहिए। जी दोस्तों और वहीं दूसरे लोगों की सोच आपके विपरीत होती है। जी दोस्तों आपको बता दें आप हमेशा अपने साथियों का, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं, परिवारों का भला चाहते हैं, उनकी मुसीबतों में आप शामिल रहते हैं, उनके मुसीबतों को भी आप अपने सर ले लेते हैं। परंतु दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके साथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है। दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं। जी दोस्तों अगर आपको हमारा यह बात सच्चा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने सर ले लिए हैं, उनके मुसीबतों को आपने बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए। दोस्तों आपको अपने मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे उनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें। आज से ही आप इनको करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंसान को नहीं मिलेगा। आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा, किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज से आप अपने की सोचें। और दोस्तों आपकी दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं आप जीवन से जुड़े सबसे बड़े महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले, चाहे आपसे बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बाद एक बार मिले हो, लेकिन दोस्तों आप उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आपसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके सभी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर में संकटों का वह ऐसा जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं। जी दोस्तों और तीसरी गलती आपके जीवन में यह है कि दोस्तों धन के मामले में किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। क्यों दोस्तों वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। जी दोस्तों बात कड़वी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज के दौर में पैसों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है। दोस्तों वही दोस्तों घरों की आज की जो स्थिति है वो आप बता रही है
दोस्तों आज रात 12 बजे से आपके ऊपर कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं, यूं कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फंसाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचना है, जो लोग आपके जीवन काल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें। जो भी लोग आपको ऐसे बातों में फंसाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना संबंध तोड़ दें जी दोस्तों। और दोस्तों उनसे बात भी करना आप बंद कर दें, इससे दोस्तों आपकी जो मुसीबतें हैं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी। क्यों दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में इन्हें रहने देंगे तो दोस्तों दिन प्रतिदिन आपकी जो मुसीबत है उनमें वृद्धि होती जाएगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी। क्यों दोस्तों, आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं, आप ऐसे दुश्मनों से पीछा छुटा लीजिए। भाई दोस्तों बात करते हैं कि आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में किसने जादू टोना किया है और आखिर इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि अगर आपको लगता नहीं है कि आपके घर में किसी का नज़र दोष है, किसी का काला जादू है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 लाल सूखी मिर्च लेकर दोस्तों उन्हें आग में जला दें और जलाने के बाद अगर वह धुआं गंध नहीं करता हो तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपके घर में किसी का जादू टोना हुआ है जी दोस्तों। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप एक मुट्ठी चावल हाथ में रख कर 51 या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके पक्षियों के लिए घर से बाहर में डाल दें। इस नियम को 21 दिन या फिर 51 दिन तक दोहराएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है और दोस्तों घर परिवार में किसी प्रेत आत्मा का छाया है या फिर किसी ने काला जादू कर दिया है दोस्तों उनका नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण होने लगता है। इसके उपरांत दोस्तों एक और उपाय है, आपके घर में भूत प्रेत का जब भी छाया होता है, किसी का काला जादू होता है तो दोस्तों घर में व्यक्ति बीमार होने लगता है, मन अशांत होने लगता है। तो दोस्तों ऐसे में जो व्यक्ति बीमार है प्रातःकाल 1 गिलास पानी लेकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े होकर ये मंत्र का 21 बार जाप करके पी जाएं एवं ईश्वर से अपने रोग को दूर करने के लिए प्रार्थना करें तो शीघ्र ही स्वास्थ्य में आपका लाभ होगा। यह प्रयोग सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार 7 दिन तक करें। दोस्तों मंत्र है एम। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।